सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सेकंड एपिसोड ऑफ अमागी ब्रिलियंट पार्क। एक्चुअली मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, वरना मैं कब का सेकंड एपिसोड अपलोड कर चुकी होती, बट कोई बात नहीं। तो ये रहा आपका सेकंड एपिसोड। सो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सैया कान्हे को एक इसोसो सेंदो नाम की लड़की कान्हे को अपने साथ थीम पार्क में जाने के लिए कहती है। वेल, कान्हे उसके साथ थीम पार्क चला तो जाता है, लेकिन पार्क की हालत काफी बुरी रहती है, जो देखकर कान्हे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन इसोसो कान्हे को पार्क की मैनेजर के पास लेकर जाती है, जो कि एक प्रिंसेस भी रहती है और इसका नाम लतीफा रहता है। यहाँ पर लतीफा कान्हे से बताती है कि वो लोग एक एक्चुअली मैजिक किंगडम से आए हैं, यानी कि वो लोग मैपल लैंड से हैं। लतीफा कान्हे को ये भी बताती है कि अगर अगले 3 महीने में उन लोगों ने 250,000 कस्टमर्स को यानी विजिटर्स को अट्रैक्ट नहीं किया तो उनका थीम पार्क बंद हो जाएगा और उनका अस्तित्व खत्म हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि कान्हे को एक्चुअली लतीफा की वो मैजिक वाली बात पर यकीन नहीं होता है, तो यहाँ पर लतीफा कान्हे को मैजिक देने का सोचती है और वो कान्हे को मैजिक देती भी है। तो वो कौन सा? माइंड रीडिंग की। और ये बात जब कान्हे को पता चलती है कि उसके पास माइंड रीडिंग की पावर आ चुकी है, तो वो पूरा शॉक हो जाता है। एपिसोड के शुरुआत में हम ये देखते हैं कि स्टेशन पर कुछ लोग होते हैं जो अपने मन ही मन में बातें कर रहे होते हैं। कोई ये सोचता है कि यार, कल जो मुझे वो क्यूट सी लेडी दिखी थी, आज मुझे वो क्यों नहीं दिख रही है। और किसी को उसके स्कर्ट को ज्यादा ही शॉर्ट लगती है, और किसी को लगता है कि हाँ, ये 1185 योरितोमो सगुनाटे है। और कान्हे को स्पेशल पावर मिलने के बाद ऑब्वियसली इनके मन की बात सुनाई दे रही होती है, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। फिर इसोसो कान्हे से कहती है कि मुझे उम्मीद है अब तुम हम पर यकीन कर रहे होगे। मैपल लैंड में जो रॉयल फैमिली है, उनके मेंबर के किसके थ्रू लोगों को मैजिक दिया जा सकता है। फिर कान्हे सोचता है कि इसका मतलब ये है कि लतीफा एक रॉयल फैमिली से है। यहाँ मैं बता दूं कि लतीफा एक प्रिंसेस है, और कान्हे के पास जो माइंड रीडिंग की पावर है वो पास्ट में किसी और के पास भी थी। ऐसा इसोसो कान्हे को माइंड रीडिंग के थ्रू बताती है, लेकिन वो सिर्फ एक बार एक ही इंसान पर यूज कर सकता है। इसका मतलब अगर कान्हे इसोसो का माइंड रीड दोबारा करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। फिर हम अगले सीन में ये देखते हैं कि इसोसो कान्हे को मिनिस्ट्रेटिव ऑफिस लेकर जाती है, और भाई साहब, यहाँ पर कान्हे को फिर से मफिल दिख जाता है। या ये कह ले कि मफिल को कान्हे दिख जाता है, या फिर ये कहना सही होगा कि दोनों एक दूसरे को दिख जाते हैं। दोनों एक दूसरे को कट्टर कातिल भरी नजरों से देख रहे होते हैं, और दोनों ऐसे खड़े हो जाते हैं कि जैसे दोनों कभी भी लड़ने लगेंगे। इसोसो पूछती है कि एक मिनट, क्या तुम लोग फिर से लड़ने वाले हो? और कान्हे यहाँ पे कहता है कि जो भी तुम सोच लो। और यहाँ पर फिर से कान्हे और मफिल एक दूसरे की नाक तोड़ने के लिए लड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मफिल की जोरदार किक होती है, वो कान्हे को ढेर कर देती है। बेचारा कान्हे हर बार मफिल से पिट जाता है। और फिर यहाँ पर इसोसो भी कान्हे के जले पे नमक छिड़क के कहती है कि अगर तुम दोनों का बॉन्डिंग बनाना हो गया हो तो हमें चलना चाहिए। कान्हे गुस्से से कहता है, ये कौन से एंगल से हम तुम्हें बॉन्डिंग बनाते हुए लग रहे हैं? फिर इसोसो कान्हे को अपने दुश्मनों से मिलवाती है। वेल, ये दुश्मन वही होते हैं जो अमांगी ब्रिलियंट पार्क को डेवलप करने के लिए आए होते हैं। उनमें से एक का नाम कुरुशु ताकिया रहता है। इसोसो कहती है कि प्रिंसेस लतीफा की हेल्थ ठीक ना होने की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाई, और मैं एक्टिंग मैनेजर होने के नाते आपका प्रपोजल मैं देखूंगी। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कुरुशु ने बोल रहे होते हैं कि आप सबको तो पता ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको बताया गया था कि 5 सालों में अगर आपने 5 लाख विजिटर्स यानी कस्टमर को हिट करने में अगर आप फेल हो जाते हैं तो अमागी के जो राइट्स हैं वो डेवलपमेंट टीम को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और आपके पास अब 3 महीने से भी काफ़ी कम टाइम रह गया है, और आप सबको देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप सब यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। इसोसो यहाँ पर कहती है कि हम यहाँ से जाने के लिए इसलिए तैयार नहीं हैं क्योंकि हमें अभी भी उम्मीद है कि हम 5 लाख विजिटर्स को पूरा कर सकते हैं। कुरुशु यहाँ पर कहता है कि ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, आपका पार्क एक भारी नुकसान से गुजर रहा है। चलो देखते हैं, अगर 4 लोगों की फैमिली अमागी ब्रिलियंट पार्क पर आती है तो पिछले साल की विजिटर्स को काउंट को अकाउंट में देखते हुए मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो मुश्किल से ये फैमिली कितना हर दिन में स्पेंड करेगी। वेल, यहाँ पर कुरुशु के बताने से पहले ही कान्हे बता देता है कि 85,000 येन होगा। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि कान्हे ने बिना कैलकुलेटर के बताया होता है। कुरुशु भी यहाँ पर ऑलमोस्ट हैरान हो जाता है, बट फिर कुरुशु बताता है कि वेल, तुमने ऑलमोस्ट सही बताया, बट एक्चुअल में 83,200 येन होगा। बट मानना पड़ेगा, तुम्हारा कैलकुलेशन काफ़ी हद तक सही था। क्या तुम हमारे अमांगी डेवलपमेंट में काम करना चाहोगे? बट यहाँ पर कान्हे मना कर देता है। फिर कुरुशु भी काफ़ी उन्हें खरी खोटी कहने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें वाकई लगता है कि लोग इतने पागल होंगे जो यहाँ पर आकर अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट करेंगे? फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अमांगी डेवलपमेंट वाले चले जाते हैं और कान्हे भी वहाँ से जाता है,
लेकिन इससो कहते हैं कि कान्हे तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, हमारे पार्क को प्लीज बचा लो। लेकिन कान्हे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कान्हे अपने बस का वेट कर रहा होता है तो उसे कुरुसु दिख जाता है और वो कान्हे से बात करने की कोशिश करता है और वो कान्हे को लेकिन पहचान जाता है। वो कहता है कि तुम कोदामा सैया हो ना, वो चाइल्ड एक्टर, तुम्हारे जैसा एक बड़ा स्टार इस पार्क में क्यों काम कर रहा है? मुझे यकीन है इसके पीछे कोई वजह रही होगी। खैर मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहूंगा कि पागल मत बनो, अगर तुम अपना टाइम लूजर्स के साथ स्पेंड करोगे तो बाद में तुम भी एक लूजर ही बन जाओगे। फिर वो ये कहकर वहां से चला जाता है। फिर कान्हे वहां पर बैठ जाता है और बेंच पर उनकी बनी फोटोज को देख रहा होता है और पिछले टाइम लतीफा की बनी क्रोकेट्स और लतीफा की बातों को याद कर रहा होता है। फिर कान्हे खुद से बात कर रहा होता है कि इस पार्क की चीजें काफी सही तरह से सेट नहीं है, ये लोग भी पागल हैं। फिर उसके बाद बस आ जाती है, लेकिन गेस व्हाट, कान्हे नहीं जाता है। कान्हे ब्रिलियंट पार्क जाता है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि कान्हे चाहता था कि वो अपनी माइंड रीडिंग की पावर हटा दे। फिर कान्हे देखता है कि काफी भीड़ लगी हुई है और सभी लोग डरे हुए हैं और सभी लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि अब हमें कौन सी बैड न्यूज मिलने वाली है। फिर प्रिंसेस लतीफा आकर उन्हें गुड इवनिंग कहती है। वो बताती है कि अमांगी ब्रिलियंट पार्क अगले 3 महीने में बंद हो सकता है और ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद प्रिंसेस लतीफा कहती है कि मुझे पता है कि आप सबको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं वो हर कोशिश करूंगी जिससे मैं आपको एक नई जॉब दिला सकूं। लेकिन उनमें से एक रॉकी नाम का, जो कि आई थिंक क्रोकोडाइल जैसा दिखता है, वो ये कहता है कि मेरी तो ऑलमोस्ट 0 पॉपुलैरिटी है, लोग मुझे भूल जाएंगे और जल्द ही मैं गायब हो जाऊंगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मफल आता है और क्रॉकी को समझाता है। वो ये कहता है कि तुम यहाँ पर 12 साल से हो, तुम चाहते तो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा सकते थे, लेकिन तुमने अपने काम को काफी हल्के में लिया और इसीलिए तुम्हारी पॉपुलैरिटी इतनी कम है। लेकिन चिंता मत करो, अगर तुमने अच्छे से काम किया तो तुम एक अच्छे मास्कुट बन सकते हो। लेकिन फिर क्रॉकी कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए कहना काफी आसान है, क्योंकि तुम एक टॉप रैंक के मास्कुट हो, तुम तो दूसरे पार्क में ट्रांसफर हो जाओगे, वो भी बिना किसी परेशानी के। और ये सुनकर मफिल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उनकी थोड़ी बहसबाजी शुरू हो जाती है। ये सब देखकर लतीफा को बहुत बुरा लगता है और लतीफा यहाँ पर सबसे सॉरी कह रही होती है। और ये सारी बातें है ना, वो कान्हे चोरों की तरह सुन रहा होता है। लतीफा की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो सबसे माफी मांग रही होती हैं। और यहाँ पर हीरो की तरह एंट्री करते हुए कान्हे आ जाता है और वो सबसे कहता है कि क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी सॉरी कह रहे हो? और सबके सब कान्हे की तरफ ही देखते रह जाते हैं। फिर यहाँ पर कान्हे एक लंबी सांस लेते हुए आगे बढ़ता है, तब तक मफिल सामने आ जाता है। मफिल कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो सुना था कि तुमने हमारे मैनेजर बनने से मना कर दिया था। तो फिर कान्हे बोलता है कि मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं अब तुम लूजर्स की हेल्प करने का सोच रहा हूँ। जरा तुम सब खुद को देखो, तुम सब लोग ना ही कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हो और ना ही पैसे कमा पा रहे हो, और अब तुम सब अपने जॉब खोने वाले हो। तुम सब बस एक कायर हो जो कुछ नहीं कर सकते सिवाय कंप्लेन करने के। किसी ने सही कहा था कि सिर्फ बेवकूफ ही लोग होंगे जो यहाँ पर आकर अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करेंगे। फिर कान्हे की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन लतीफा कान्हे को बालकनी में आने के लिए पूछती है और कान्हे भी स्टाइल मारते हुए खुद को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। कान्हे कहता है कि तुम सबके माइंड में क्या चल रहा है ये जानने के लिए मुझे तुम सबकी माइंड रीड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम सब मुझसे हेट करते हो और ये बात मुझे पता है। तुम सब जरूर यही सोच रहे होगे कि आखिर कौन है ये, आखिर 3 महीने में क्या ही कर लेगा और ये तो हमारी प्रिंसेस लतीफा को हमसे दूर कर देगा। वेल, अब से हर चीजें मैं हैंडल करूंगा और तुम सबको वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूंगा, और अगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी तो मैं उसे फायर कर दूंगा और आखिर में तुम सब हैरान हो जाओगे, मैं तुम सबको 250,000 कस्टमर्स ला कर दूंगा। वेल, यहाँ पर कान्हे ने जानबूझकर उनको गुस्सा दिलाया होता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम से अपने काम को सीरियसली लें। यहाँ पर कान्हे लतीफा और इसुजु को पहले ही बता देता है कि वो सिर्फ 3 महीने के लिए हेल्प करेगा और उसके बाद उसका काम खत्म हो जाएगा। ये सुनकर लतीफा थोड़ी खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कान्हे वहीं पर रुककर कुछ फाइल्स देख रहा होता है। इसुजु कान्हे से पूछती है कि क्या तुमने घर पर सबको कॉल करके बता दिया है कि आज रात तुम बाहर रुक रहे हो? कान्हे कहते हैं कि हाँ, मैंने सबको बता दिया है। फिर इसुजु कान्हे के सोने के लिए ब्लैंकेट लेने जाती है और फिर इसुजु कान्हे को थैंक यू कहती है। फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सारे मेंबर्स नोटिस की तरफ देख रहे होते हैं जिस पर ये लिखा होता है कि पार्क एक दिन के लिए बंद रहेगा और सारे कास्ट मेंबर अपना दिन रिपेयरिंग या फिर क्लीनिंग में गुजारेंगे। और ये देखकर सारे मेंबर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, खास करके मफिल को। मफिल ये सोचता है कि आखिर कान्हे क्या करने का सोच रहा है। और ऐसे ही हमारा सेकंड एपिसोड भी खत्म होता है, बट फाइनली कान्हे ने हेल्प करने का सोचा है। वेल, आने वाले एपिसोड में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा,
जैसे कि कान्हे आखिर 3 महीने के अंदर ही 250,000 विजिटर्स को कैसे पार करेगा, और सारे मेंबर्स कान्हे से ऑलरेडी बहुत चिढ़ते हैं, तो क्या वो कान्हे के साथ एडजस्ट हो पाएंगे? वेल, ये सब हमें पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है।